हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपका जो बड़े ऊ की मात्रा तक था वहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पार्ट 9 ऋषि की मात्रा समझा रही हूँ। ऋषि की मात्रा में आपको पता है ऋषि की मात्रा ऐसे हम लगाते हैं। अब ये देखिए जो पिक्चर बने हुए हैं इसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये ग है और ग में रु ऋषि की मात्रा लग रही। हम इसको ग नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ग्रु ह। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रु ह। फिर ये देखिए वृक्ष व और व में रु ऋषि की मात्रा है वृक्ष। इसी प्रकार अ म में ऋषि की मात्रा मृत अमृत मृग। म में ऋषि की मात्रा मृ और ग मृग। ता में ऋषि की मात्रा तृण। एक बार मैं ये फिर से रिवाइज कर रही हूँ। पाठ 9 ऋषि की मात्रा गृह वृक्ष मृग अमृत तृण। अब इसके आगे का मैं आपको अपनी बुक में समझा रही हूँ। आज मैं आपको पेज नंबर 37 पर पाठ 9 ऋषि की मात्रा कैसे होती इसको हम ऐसे लगाते हैं ऋषि की मात्रा समझा रही हूँ। अब इसमें आप देखिए ये पिक्चर बना हुआ है, ये म लिखा है और म में ऐसे री ऋषि की मात्रा लगी हुई है। तो अब ये क्या बन गया? मृग। इसको हम मृग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मृग, है ना। अब ये देखिए त में ऋषि की मात्रा लगी हुई है तृण, इसको हम क्या बोलेंगे? तृण। इसी प्रकार व में ऋषि की मात्रा लगी हुई है वृक्ष गृह अमृत और नृ और प। ये ऋषि की मात्रा ऐसे करके लगाते हैं नृप। पढ़ो और बोलो। रु तु ऋतु वृक्ष घृत अमृत मृदुल कृषि गृह दृढ़ कृपया दृश्य ऋषि नृप भृगु कृपाण सदृश ऋण कृपा तृषा पृथक वृषभ ऋचा मातृ पृथा सृजन और ऋषभ। इस प्रकार ये ऋषि की मात्रा है। आप लोगों को यहाँ ऊपर से पूरा यहाँ से लेके तो ये नीचे तक का पूरा इसको रीडिंग करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 38 पर ये जो आपका चैप्टर है आओ वृक्ष उगाएं। रुचा आ वृक्ष उगा, इसको कैसे पढ़ेंगे? रुचा आ वृक्ष उगा कृषि कर पृथ्वी पर मृगाना नृप आना कृषक तुम भी अमृत बरसाना, है ना। रुचा आ वृक्ष उगा कृषि कर पृथ्वी पर मृग आना नृप आना कृषक तुम भी अमृत बरसाना। अब ये देखिए मिलाकर लिखो। अब ये व है, फिर व में ऋ ऋषि की मात्रा है और क्ष है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे आप लोग भी अपनी अपनी बुक में कंप्लीट करते जाइए। व्र है, व में ऋषि की मात्रा लगाई ब्रू और क्या लिखेंगे हम? क्ष। क्या बन गया ये? वृक्ष। अब इसी प्रकार ये घ है तो हमने पहले क्या लिखा? घ। फिर घ में लगाई ऋषि की मात्रा, फिर त। क्या बन गया ये? घृत। न
न में ऋषि की मात्रा नृ प, नृ प। ऐसे ही ग, ग में ऋषि की मात्रा गृ और ह, गृह। वृक्ष घृत, नृप गृह। अब ख नंबर पे है चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। अब ये चित्र बना हुआ, ये कौन सा चित्र बना है, इसको बोलते ही हिरण, मृग। म, म में ऋषि की मात्रा मृग, मृग तेज भाग। क्या हो गया ये, मृग तेज भाग। मत तोड़, तृण, इसको क्या बोलते हैं, घास जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तृण, तृण मत तोड़। अब ये क्या है, वृक्ष। व, व में ऋषि की मात्रा और क्ष, वृक्ष पर चढ़, वृक्ष पर चढ़। अब ये देखिए कौन है, कृषक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क, क में ऋषि की मात्रा क्रु, श, क, कृषक खेती कर। इसके बाद ये पढ़ो और लिखो। अमृत क्या है, ये अमृत, ऋषभ, कृषक, कृपया। ऐसे ही देख के आपको अपनी बुक में इसको लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमृत, ऋषभ, कृषक, कृपया, कृपया, है ना। अब आप लोग भी अपना पेज टर्न करेंगे। चित्र देखकर ऋतु पहचानो और लिखो। ये देखिए, अब ये कौन से ऋतु हो रहे हैं यहाँ पर, वर्षा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। अब ये कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु, ठंड, शीत ऋतु। और ये कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म मतलब गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार आपको ये अपना चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है कहानी कहो। क्रम से दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी सुनाओ। यह आपकी बुक में दिया हुआ है, अब इसको आपको देखकर अपने मन से, अपनी मम्मी की सहायता लेकर, पापा की सहायता लेकर, आपको ये जो कहानी आपके मन से सोचना है कि ये एक ब्रिज है, ये दो बकरियां हैं, ये क्या कर रही है और इन्होंने कैसे इस ब्रिज को पार किया है, ये कहानी आपको अपने मन से करना आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ये कहानी आपको कंप्लीट करना आना चाहिए खुद को मन से। ये क्रम में ये पिक्चर दे रखे हैं, दोनों पेजेस पर ये कहानी आपको कंप्लीट करना है। अब आप लोग अपनी जो क्लास वर्क कॉपी है वो ओपन करेंगे और क्लास वर्क कॉपी में सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे दिनांक। क्या डालेंगे हम यहाँ पर, दिनांक डालेंगे। जो भी दिनांक होगी वह यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कक्षा, कार्य। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पाठ, नौ, कौन सी मात्रा है ये, ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा। फिर ऋषि की मात्रा कैसी होती है, आपको ऐसी मात्रा लगाना है। और इसके बाद
यहाँ पर आपको लिखना है शब्द। क्या लिखना है यहाँ पर आपको? शब्द। अब यहाँ पर आपकी ये बुक में से जितने भी ये शब्द मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं बुक में से देखना है, और उसके बाद ये आपकी बुक में ये जो शब्द दे रखे हैं इसे आपको कम से कम 10 से 15 शब्द यहाँ पर लिखना है नंबर डालकर। इसके बाद आप लोग अपना पेज टर्न करेंगे, तो पेज टर्न करने के बाद ये जो आपका चैप्टर है आओ वृक्ष उगाएं, ये दूसरे पेज पर आपको लिखना है आओ वृक्ष उगाएं, वृक्ष उगाएं। ये आपको अपनी बुक में से देखकर अपनी क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।